unites.com, redefining Bollywood. साहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि आपका फिल्म में कैरेक्टर क्या है? मेरा फिल्म में कैरेक्टर का नाम है सैंडी. बहुत ही स्वीट, सोबर इनिशियली है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और लड़कियों से, जिस लड़की से मिलता है उसे प्यार हो जाता है, उसे देखते ही कई बार तो प्यार हो जाता है, तो ऐसा ही है कैरेक्टर, स्वीट लवेबल. प्यार मोहब्बत की फिल्में कर रही, दूसरी फिल्में नहीं कर रही. नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ कॉमेडी भी है, फ्रेंडशिप है. बेसिकली इट्स अबाउट फ्रेंडशिप. मैं तो करेक्टर की अपनी बात कर रहा हूँ कि इट्स अ लवेबल करेक्टर एंड बेसिकली तो मूवी फ्रेंडशिप के ऊपर है. हर्ष, व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? सर, मेरे कैरेक्टर का नाम है हैरी. थोड़ा निकम्मा है बट ये फिल्मी फ्रेंडशिप के ऊपर है. इट्स अबाउट एक बॉन्ड जो इन तीन दोस्तों में है और बहुत अमेजिंगली फनी सिचुएशंस होती हैं एज दे गो अलॉन्ग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म अबाउट द 15 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स. सो ये तीनों जन का कैरेक्टर सुन के कुछ थ्री इडियट की झलक आ रही है. नहीं नहीं सर, ये तो थ्री इडियट अलग थी, कुछ और था इसमें, कुछ और इन्होंने बनाया है क्योंकि हर डायरेक्टर हर राइटर की अपनी विजन होती है, अपनी सोच होती है. उस उनकी कुछ और थी, हमारी कुछ और है. आपके हिसाब से फिल्म लवडे की यूएसपी क्या है? Friendship. That friendship is not materialistic. It is going to release on 14th of February. Yes. According to producer. Yes. जी. तो symbolical with love and friendship both. And enmity is there also or not? See, मेरे ख्याल से sir इसमें love tragedy है थोड़ी. So you'll see and then you'll know. But 14th Feb film में एक बहुत important day है जो बार-बार आता है. And that really changes their lives. So that is why it's called Love Day, because Valentine's Day, 14th of Feb. And in friendship also there is love. It's always love in friendship. So yeah, so Love Day on 14th. Love Day, it is not Dev. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.